हेलो एवरीवन, YT स्टूडियो में लिख डालते ही सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं YouTube पर, आज इसी टॉपिक्स पर फुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने YT स्टूडियो में। यहाँ से मैं कट करता हूँ, कट करने के बाद आपको चले आना है YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में आने के बाद आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको लिंक पेस्ट करना है अपने YouTube पर और आपके ढेर सारे व्यूअर्स आने लगेंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर किसी भी एक वीडियो को आपको लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक वीडियो में आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट पेस्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो ज़रूर पहुँचे। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एकदम नीचे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने YT स्टूडियो में क्या करना है, 2-3 बार रिफ्रेश कर देना है। देखिए मैं जिस तरह बता रहा हूँ, आपको ऐसे रिफ्रेश कर देना है 2-3 बार। ऐसे ही 1-2 घंटे बाद आपको रिफ्रेश कर देना है। फिर यहाँ पर कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर देना है। फिर यहाँ पर एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको क्या करना है, एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रिफ्रेश कर देना है। फिर यहाँ पर अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों आपको वो एक ट्रिक और बताने वाले हैं। आपको यहाँ पर एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्राफ शो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसे भी समझ लेना है, तभी आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर आसानी से बढ़ने लगेंगे। तो क्या करना है आपको, इधर टाइमिंग शो हो रहा होगा और इधर ग्राफ शो हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि जो डार्क ग्राफ शो हो रहा है, उसी टाइमिंग पर आप 5:59 PM पर आपको वीडियो अपलोड करेंगे जब आप, तो 100% है कि ये वर्क करेगी। तो यहाँ से मैं डैशबोर्ड पर आते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको क्या करना है, 2-3 बार फिर से आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आसानी से बढ़ने लगेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।